मुख्यमंत्री जी तो खुले तौर पे कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है गुंडागर्दी जो है कम हुई है, गुंडा राज कम हुआ है। तो फिर अब या तो ये शरीफ लोग ये अपराध कारित कर रहे हैं, इसका जवाब यही है कि अपराध शरीफ लोग कारित करते हैं। आखिर यह किस प्रकार का यह प्रशासन है कि जो लोगों के अंदर यह विश्वास भर रहा है कि कानून के हाथ छोटे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड हो या लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप के तले रौंद दिया गया और आज की डेट में वो माननीय लोग अपने पद पे विराजमान हैं, बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरम रूप से ध्वस्त हो चुकी है। इस तरह की घटनाएं अगर कारित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, उन अपराधियों के मन में जिसको मंचों से कहा जा रहा है कि मैं दूरबीन लेके देखता हूं तो मुझे अपराधी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, उन अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। और सभी हमारे समाज के एक कर्णधार हो सकते थे, भावी कर्णधार, जो पूर्ण रूप से दुनिया को नहीं देख सके। किसी प्रकार की कोई सेलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए सबका ढांढस बधाने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी तक सूचना नहीं गई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक गोरखपुर की सारी सूचनाएं समय के साथ प्रेषित हो जाती हैं और उनको खुद जानकारी रहती है। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर में एक हत्या हो जाती है, एक अंकुर शुक्ला नाम के किशोरी अवस्था के एक युवक की हत्या हो जाती है। बीते कुछ दिन पहले से ही लगातार गोरखपुर में तमाम हत्याएं होती नज़र आ रही हैं। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का शहर है और इस प्रकार से यहां पर लगातार हत्या होना एक सरकार के ऊपर सवाल पैदा करता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में हमारे साथ शिवेंद्र पांडे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री के शहर में लगातार ऐसी घटनाएं होती नज़र आ रही हैं, तमाम हत्याएं होती नज़र आ रही हैं, ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं और क्या नज़रिया रखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। सबसे पहला सवाल ये सर कि बीते 10 या 15 दिन पहले से लगातार हत्याएँ होती नज़र आ रही हैं गोरखपुर में, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले तो उत्कर्ष पत्रिका की पूरी टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के मुखर बिंदुओं को, जो समाज में अत्यंत रूप से आवश्यक है कि इस विषयों पे भी एक पत्रकार, बतौर पत्रकार एक मीडिया न्यूज चैनल, इन चीज़ों को समाज के सामने रखना कि जहाँ आज वर्तमान दृष्टि में सारे मीडिया न्यूज चैनल कुछ ऐसे मुद्दों को चलाते हैं जो हमारे समाज में रिलीवेंट नहीं। अब हम आते हैं मेन बिंदु पे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जनपद गोरखपुर यह किस प्रकार से अपने कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त और चुरुस्त रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 से 20 दिनों का आप अखबार उठा के देख लीजिए, चाहे आप वो NCRB का डाटा देखिए, चाहे वो आप किसी भी जिले का अखबार खोलिए, अगर वहाँ का कोई लोकल प्रकाशन है तो आपको तमाम न्यूज मिलेंगे। इसी गोरखपुर में बांसगांव अंतर्गत आता है, वहाँ एक कोटेदार की हत्या कर दी जाती है। पुष्पा हत्याकांड बढ़लगंज में किया जाता है। खोराबार में एक महिला को पहले धमकी दी जाती है और फिर उसी के घर में उसको चाकू से गला रेतकर घायल कर दिया जाता है। गोला थाना क्षेत्र में ककहरी में एक हत्या होती है। देवरिया में प्रॉपर्टी के विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या कर दी जाती है। अभी हाल में कल का यह मामला है, पूरा प्रदेश इस मामले से सहम उठा है, इस प्रकार के जघन्य अपराध से। झंगहा यही गोरखपुर का सटा है, वहाँ पे तमाम लोगों के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें 2 से 3 लोगों की हत्याएं हो गई। तारामंडल में एक 17 वर्ष का बालक जो अभी इस पूरी दुनिया को देख नहीं पाया था, उसकी कुछ अराजक तत्वों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा पीट पीट कर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कुसमही जंगल में अभी एक शव लटकता हुआ मिला है जिसमें से आधे से नीचे कंकाल के रूप में पाया गया है। महाराजगंज की बात है, यहीं पे पुजारी और एक साध्वी हैं, उनकी हत्या होती है। यहीं की बेटी काजल सिंह की हत्या होती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़की की, जो एक दलित वर्ग की लड़की थी, उसकी फंदे से लटकती हुई लाश मिली जिसका कोई हाल या निशान आपके सामने नहीं आ सका। यहीं पर बसंतपुर में अविनाश जायसवाल की हत्या हुई। अभी ये अगर मैं लिस्ट पढ़ूँ तो इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। NCRB का डाटा और तमाम सारी संस्थाएं कह चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड हो या लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप के तले रौंद दिया गया और आज की डेट में वो माननीय लोग अपने पद पे विराजमान हैं, बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरम रूप से ध्वस्त हो चुकी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से
यह एक नैतिकता के आधार पर यह होना चाहिए कि वो इन बिंदुओं पर आके बोले, और कम से कम किसी मामले पर नहीं बोलते हैं तो अपने गृह जनपद के विभिन्न मामलों पर जो काफी संवेदनशील हैं आपको कुछ कहना चाहिए, और सेलेक्टिव लोगों को जो मुआवजे दिए जा रहे हैं और जो उसका आत्मसंबल माना जा रहा है, इसमें सेलेक्टिव भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो खुले तौर पे कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है गुंडागर्दी जो है कम हुई है, गुंडा राज कम हुआ है। तो फिर अब या तो ये फिर ये शरीफ लोग ये अपराध कारित कर रहे हैं, इसका जवाब यही है कि अपराध शरीफ लोग कारित करते हैं। एक और चीज़ की चिल्लू पार से एक विधायक आते हैं, जो भी अभी हत्याकांड हुआ है उनके परिवारजनों के साथ खड़ा रहते हैं, उनके धरने पे बैठते हैं उनके साथ, और यहीं से स्थानीय जो यहाँ पे सांसद हैं रवि किशन जी और विधायक जो हैं, चाहे वो शहरी और ग्रामीण विधायक हों गोरखपुर के, वो उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं, क्या ऐसी विडम्बना है? देखिए, मैंने कहा ना कि सेलेक्टिव लोगों को मुआवजा देना, कोई अगर किसी विशेष जाति वर्ग का है तो उसको 40 लाख मुआवजा देना, वो उससे थोड़ा सा निम्न तबके का है, किसी दूसरे जाति में वो आता है तो उसका मुआवजे की राशि घटा देना, एक प्रकार की सेलेक्टिव सोच नीति है और जो केवल वोट बैंक की राजनीति को देख के आधारित रखी जाती है, इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपके गृह राज्य जनपद में पूरे प्रदेश में कहीं भी इस तरह का अपराध होता है तो आप सारी आपकी जनता है, आपको वोट देके आपको अपना मुख्यमंत्री चुनी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाई है, तो स्पष्ट रूप से आपको यह तो पता होना चाहिए कि सभी जनता जो आप कहते हैं कि सभी हमारे लिए समान है तो उसको सेलेक्टिव मुआवजा मिलना नहीं चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए। और इन बिंदुओं पर हमारे कौन से प्रतिनिधि बोलते हैं कौन से नहीं प्रतिनिधि बोलते हैं, इसके पीछे साफ साफ सा एक कारण है कि वह जानते हैं कि अगर मैं बोलूंगा इस मामले को उठाऊंगा तो हमारे राजनीतिक दल की बुराई होगी, हमारे सरकार की बुराई होगी और एक वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा, बस इसमें इतना ही कारण है। एक और बात की देखिए, पुलिस प्रशासन जिस दिन लाश लेकर धरने पर बैठा गया था, पुलिस प्रशासन बोले कि 48 घंटे का मोहलत दे दिया, हम लोग जो है आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और आरोपी जो है खुद सरेंडर कर देते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? देखिए, हर जगह एक सिस्टम बनाया गया है कि हमारी शासन प्रणाली है तो इसको किस प्रकार से मुझे चलाना है, और जिस सिस्टम से ऊपर से दिशा निर्देश प्रशासन के ऊपर पार्टी के द्वारा जैसा दिशा निर्देश आ रहा है वैसे कार्य किए जा रहे हैं। एसएसपी बोलें कि राजनीतिक तरीके से किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया है और हो रही है। मैं क्या बात कहूँ, यहीं गोरखपुर के एक नामी होटल में मनीष गुप्ता व्यापारी की हत्याकांड हो गई और वहाँ पे हमारे और आपके सामने में सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से ये बयान आया कि कानून के दरवाजे जो होते हैं वो विलंबकारी होते हैं, वहाँ जाने से लोगों को न्याय नहीं मिलता। आखिर यह किस प्रकार का यह प्रशासन है कि जो लोगों के अंदर यह विश्वास भर रहा है कि कानून के हाथ छोटे हो चुके हैं? अगर हम जनता को यह विश्वास दिलाएंगे, हम लोगों को पीड़ित पक्ष को यह विश्वास दिलाएंगे कि हाँ ठीक है कानून के हाथ लंबे होते हैं और आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, तो उनके ऊपर विश्वास आएगा। अगर हम इस तरह का बयान देंगे कि न्यायपालिका में जाने पर आपको विलंब से न्याय मिलेगा और ऐसी चीज़ें त्वरित रूप से नहीं हो पाएंगी, तो यह मुझे लगता है यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आप खुद एक कानून के अधिवक्ता हैं, आप कानून की इस कमियाँ को, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से लगातार हत्याएँ हो रही हैं, तो कानून की इस कमियां को किस प्रकार से देखते हैं, और क्या ये अभी सरेंडर कर देने से आरोपियों के दो सरेंडर कर दिए, अभी दो आरोपी चूंकि अभी बाकी हैं सरेंडर करने के लिए या फिर गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या लगता है इस प्रकार से अंकुर को जो है इंसाफ मिल सकता है? देखिए, हमारे समाज में अभी बहुत सारे ऐसे अंकुर हैं, अंकुर शुक्ला एक जीवंत उदाहरण नहीं है, हमारे समाज में वैसे वैसे हजारों अंकुर हैं। इस गोरखपुर की जनपद गृह जनपद में, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में तमाम ऐसी बेटियां हैं, काजल सिंह है और इसके गोरखपुर विश्वविद्यालय की वो दलित छात्रा है, तमाम ऐसे लोग अंकुर शुक्ला के रूप में हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को न्यायपालिका के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से एक समुचित न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इस तरह की घटनाएं अगर कारित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, उन अपराधियों के मन में जिसको मंचों से कहा जा रहा है कि मैं दूरबीन लेके देखता हूं तो मुझे अपराधी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, उन अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और उत्तर प्रदेश के वो सारे अपराधी इसी अपराध को कारित कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ ही मीडिया न्यूज़ चैनलों को ये चीज़ें दिखती हैं, अगर इन चीज़ों को प्रकाशित की जाए तो मुझे लगता है कि उनके भीतर कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से, पुलिस तंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और कानून राज का यह जो तंत्र बनाया गया है इसको पूर्ण रूप से स्थापित भी किया जा सकता है। अभी दो चार दिन बीत चुका है और चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, उनका गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है कि इस मुद्दे पे उनको आके एक बार परिवारजन के साथ मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि
मैंने कहा है कि कहीं भी सेलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अंकुर शुक्ला हो, चाहे वो काजल सिंह हो, चाहे वो अविनाश जायसवाल हो, सभी हमारे बच्चे हैं और सभी हमारे समाज के एक कर्णधार हो सकते थे, भावी कर्णधार जो पूर्ण रूप से दुनिया को नहीं देख सके। किसी प्रकार की कोई सेलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए सबका ढांढस बंधाने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी तक सूचना नहीं गई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक गोरखपुर की सारी सूचनाएं समय के साथ प्रेषित हो जाती हैं और उनको खुद जानकारी रहती है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद को लेकर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर 2-3 दिन पे आना जाना रखता है, समाचार पत्रों के माध्यम से उनको जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन सभी परिवारों के साथ, उन सभी बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। एक और सवाल कि अभी तो 2-3 दिन बीत चुका है, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो कांड है, ये हत्याकांड है, ये कहीं ना कहीं जातिवादिता का रूप ले रहा है। एक निषाद एक तरफ, ब्राह्मणवादी, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जातिवादिता की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या लगता है आप? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बिकरू हत्याकांड हुआ, वहाँ का अपराधी विकास दुबे था, विकास दुबे की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन द्वारा इनकाउंटर में उसको मारा गया, उसमें जो भी रिपोर्ट्स आई, जो भी कमेटी गठित हुई, लोगों ने, समाज के एक वर्ग विशेष लोगों ने कहा कि ठीक है, चलिए वो अपराधी थे, उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत बेहतर हुआ। लेकिन वहीं उसके बेटे को घुटने के बल बैठाया गया, खुशी दुबे जो आज भी मुझे लगता है कि न्याय के अभाव में वो आज भी सफर कर रही है। तो मुझे लगता है कि अपराध को जैसी परिभाषा आपने गढ़ने का प्रयास किया है कि यह जातिगत मुद्दों से बाहर की चीज़ें हैं और हम सबको एक प्रकार से देखते हैं, उसी प्रकार से इसको जातिगत तौर पर, वोट बैंक के तौर पर ना देख के सभी के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में साथ ही उनके गृह जनपद में कानून व्यवस्था का राज स्थापित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे शिवेंद्र पांडे जी, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं। तो इन्होंने बताया किस तरीके से सेलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव किसी के पक्षधर नहीं होने चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को आकर परिवारजनों से मिलना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए और जहाँ तक मदद हो सके उनके साथ वो करना चाहिए। और इसी बीच में चर्चा जारी रहेगी और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह और कैमरा संभाल रहे थे सुमित।